नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं उंगलियां को नहीं इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाए जाते हैं रिश्ते को खत्म नहीं किया जाता क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा इसी के साथ चैनल के ऊपर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट जो है एस बैंक या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस जो है आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं अपने फोन से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ठीक है और तीन वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आप एक साल तक जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम का टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा और एक बात आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना ताकि आपका क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो और एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा आप सभी को पता है सरस्वती पूजा था तो क्लास नहीं चला दो दिन आपका बट आज से आपके सारे क्लास जो है वो कंटिन्यू रहने वाले हैं तो क्लास के टाइमिंग एक बार नोट कर लीजिएगा आप सभी और आज कवर करने वाले हैं हम लोग तीस और इकतीस दो दिन के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोनेट 2.0 पॉइंट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है एक सर्विस शुरू किया गया जिसका नाम है आपका पोलनेट ये यह सर्विस जो है वो किस लिए शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया है आपके जितने भी पुलिस विभाग है पुलिस संचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर आपका जी ठीक है पुलिस सेवा पुलिस संचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अगला प्रश्न हमारे सामने है विश्व तीरंदाजी ने किस देश पर तीरंदाजों को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए निलंबन जो लगा था वो हटा दिया है यानी अब वो जो देश है वह जो अभी हाल फिलहाल में विश्व तीरंदाजी वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें वो कंट्री जो है वो भाग ले सकती है जो निलंबन है वो हटा लिया गया है उस देश के ऊपर और वो देश कौन सा है तो वो देश है, है प्रश्न हमारे सामने है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चैंपियन के रूप में किसे ताज पहनाया गया है और वो ताज पहनाया गया यानी सबसे ज्यादा मेडल पदक जो जीता है वो राज्य कौन सा है तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र ठीक है और एक बात मैं आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन है देव बता दे रहा हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है उस वीडियो का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो उस वीडियो को पूरा देख लेना आप एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में वहां से बनता ही बनता है तो उसके ऊपर वो वीडियो आप सभी देख लीजिएगा और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या, क्या है तो वो है आपका मुंबई मुख्यमंत्री कौन है उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है तो वो है आपके भगत सिंह कोशियारी अगला प्रश्न हमारे सामने है योग की कहानी प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक पश्चिम तक यह जो किताब है यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है तो यह जो किताब के जो ऑथर है जो राइटर है जो किताब जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है आपका सीयर। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के का खनन किया है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला तो याद रखिएगा आपके सामने जो सिक्का दिखाई दे रहा है जो कॉइंस दिखाई दे रहा है यही वो सिक्का है और ये सिक्का है आपका किस राष्ट्र का किस कंट्री का तो स्विट्जरलैंड का ऑप्शन नंबर आपका डी और स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां का राजधानी क्या है तो वहां के राजधानी को बोलते हम लोग बर्न सिटी ऑफ बर्न और मुद्रा क्या है वहां का तो वहां का मुद्रा है आपका स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति वहां के है उल ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत का पहला जानवर के लिए किस शहर में आएगा पहला हमेशा बोलता हूं कुछ भी चीज पहली बार होती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा आप लगाइएगा यहां पर क्या बोल रहा है भारत का पहला युद्ध स्मारक जानवरों के लिए किस शहर में खोला जाएगा इंडिया फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल विल कम इन सिटी सिटी और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मेरठ में ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है अभी आप सभी का टोकियो में ओलंपिक गेम होने वाला है जो जापान का राजधानी है बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं आप सभी को 2020 में टोकियो में ओलंपिक गेम होने वाला है आप सभी को यह बताना है जो टोकियो में ओलंपिक गेम के लिए भारत के उप बावर्ची डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इंडिया डिप्टी चीफ द मिशन फॉर टोकियो अपॉइंटेड और उनका नाम है प्रेम चंद्र वर्मा ऑप्शन नंबर आपका डी और रात को साढ़े ग्यारह बजे वाला क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आज रात को अगला प्रश्न हमारे सामने है बैंकिंग और वित्त धोखाधड़ी को देखने के लिए सीवीसी बोर्ड में बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जितने भी फ्रॉड होते हैं जितना भी धोखाधड़ी होती है इसको सब देखभाल करने के लिए जो हेड बनाया गया है, उनका नाम है आपका एडीएम चबेली ठीक है ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बोल सकते हो एडीएम चावली भी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर आपका डी अगला प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का आप बोल सकते हो भ्रष्टाचार धारणा सूचांक पर भारत का रैंक क्या है और ये जो रैंकिंग आया है वो टोटल 180 देशों के रैंकिंग में आया है यानी 180 देशों के ऊपर ये सर्वे किया गया है और 180 देशों में भारत का जो रैंक है भ्रष्टाचार के मामले में वो है आपका कितना 80 कितना है 80 और आपके माइंड में अब एक बात आएगा टॉप पर कौन सा कंट्री है तो वो है आपका डेनमार्क क्या है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क ठीक है और कैपिटल क्या है डेनमार्क का तो वो है आपका कोपेन मुद्रा क्या है डेनिस क्रोन और वहां के राष्ट्रपति कौन है तो वो है आपके मेटे फ्रेडरिस्कन ठीक है ये आपको याद रखना है डेनमार्क के बारे में भी अगला प्रश्न हमारे सामने है अक्टूबर 2020 में कौन सा देश इंडोर क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी कि अक्टूबर 2020 में कौन सा देश जो है वो इंडोर क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा और वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर आपका डी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है तो वो है आपका कैनबरा मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के तो वो है आपके स्कॉट मॉरिसन अगला प्रश्न हमारे सामने है कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में उनकी भूमिका के कारण जिनका नाम क्या है एक लेब्राडोर को कुत्ते के लिए सेना के सुरक्ष सम्मान से सम्मानित किया गया और उसका नाम है आपका मानसी ऑप्शन नंबर आपका डी बहुत अच्छा योगदान रहा इसका ताकि आप देखते होंगे बहुत सारे कुत्ते जो है वो फोर्स को आर्मी को बहुत हेल्प करती है, है ना कुत्ते सुनकर भी जो है वो सुराख का पता लगा सकते हैं तो नाम याद रखिएगा उसका क्या नाम है मानसी अगला प्रश्न हमारे सामने है किसने ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन कचड़े का उद्घाटन ऊर्जा योजना की सुविधा के लिए किया है किसने किया है और ये पहली बार हुआ है सरकारी क्षेत्र में और यह किया है आपके ऑप्शन नंबर सी राजेश अग्रवाल ने ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में ठीक है कितने मिलियन की वृद्धि का अनुमान है 2020 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट में कितने की वृद्धि की अनुमान लगाया गया है और वो अनुमान लगाया गया है 2.5 मिलियन का ऑप्शन नंबर आपका बी अगला प्रश्न हमारे सामने भारत पर्व 2020 जो भारत की भावना का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में कहां से शुरू किया गया है। ये आपको बताना है और यह शुरू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी रेड फोर्ट से यानी लाल किला से और आज का आपका पहला प्रश्न ये है थोड़ा इतिहास के तरफ जाऊंगा आप सभी को कमेंट्स कर, कर यह बताना है कि रेड फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है थोड़ा इतिहास के तरफ जाकर देखूंगा किसका जीके स्ट्रॉन्ग है ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है सरकार ने किस बीमारी के प्रबंध और नियंत्रण के लिए 24 घंटे जो है वो कॉल सेंटर शुरू किया है आप सभी को मैं पहले यह बता दूं वो बीमारी है आपका कोरोना वायरस बहुत तेजी से पूरे चाइने में चाइना में फैल रही है वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान है हालांकि इंडिया में अभी एक भी केस पाया नहीं गया है हालांकि बोला जा रहा है कि केरला में एक केस पाया गया है बहुत गंदा बीमारी है और इसके सिम्टम पकड़े भी नहीं जा रहे बहुत हालांकि सरकार ने बोला है कि 24 घंटे कॉल सेंटर खुला है जानकारी ले सकते हो हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये बीमारी जो है वो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल रहा है और कुछ दिन के बाद जाकर अचानक प्रभाव दिखा रहा है इंसान के शरीर पर और अचानक उनकी मौत हो जा रही है ठीक है तो याद रखिएगा सरकार ने किस बीमारी के प्रबंध और नियंत्रण के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर शुरू किया है तो वो है आपका कोरोना वायरस बहुत तेजी से चाइना में सबसे ज्यादा फैल रहा है अगला प्रश्न हमारे सामने है ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार जो है किस राजमार्ग को इलेक्ट्रिक राजमार्ग की ओर परिवर्तित करने के लिए एक काम कर रहा है आपको बताना है कि जितने भी आ, ये हाईवे जो है ना उस हाईवे को अब इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार काम कर रही है कौन से हाईवे को और वो हाईवे है आपका दिल्ली मुंबई हाईवे दिल्ली मुंबई राजमार्ग को अब इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने का काम चल रहा है केंद्र सरकार के तरफ से यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत ने व्यापार निवेश तेल और गैस में सहयोग के क्षेत्र को चौड़ा यानी बड़ा करने के लिए किस देश के साथ पंद्रह समझौतों का आदान प्रदान किया है और वो देश है आपका ब्राजील ऑप्शन नंबर आपका सी और ब्राजील के और पीएम वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है तो सभी को पता है जेर बोलसोनारो वहां का मुद्रा क्या है तो ब्राजीलियन रियल और कैपिटल तो वो है आपका ब्राजीला ऑप्शन नंबर ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत और बांग्लादेश ने किस सड़क को चार लेन राजमार्गों में अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पर जो है वो डील साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किस सड़क को फोर वे लेन बनाने के लिए तो वो सड़क है आपका असुगंज और अखोरा ऑप्शन नंबर आपका डी और बांग्लादेश के पीएम का नाम सभी को पता है शेख हसीना और वहां का मुद्रा है आपका टाका राजधानी है ढाका अगला प्रश्न हमारे सामने है नेपाल जो है ना नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है वो चाहता है कि भारत अपने केंद्रीय बैंक से कितने करोड़ रुपए मूल के पुराने नोट जो है वो आप वापस ले अभी इंडिया की जो सरकार है ना वो वापस नहीं ले रहा है क्योंकि आप सभी को पहले मैं बता दूं आप सभी को पता होगा कि नेपाल में भी जो है वो इंडिया का मुद्रा चलता है आप सभी को पता है ना कि नेपाल में भी जो है वो इंडिया का मुद्रा चलता है अब वहां की सरकार बोल रही है कि सात करोड़ जो पुराना नोट है पांच सौ हजार रुपए का वो नोट जो है वो इंडिया सरकार वापस ले लेकिन इंडिया सरकार ये करना नहीं चाह रही है तो कितने करोड़ रुपए नेपाल सरकार जो है वो फोर्स कर रही है तो सात करोड़ रुपए और नेपाल का सीएम पीएम पता ही आप सभी को के पी शर्मा ओली और मुद्रा नेपाली रूपी और इंडिया रूपी भी वहां पर इस्तेमाल होता है और राजधानी क्या है तो वो है आपका काठमांडू अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत और विश्व बैंक ने ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए कितने करोड़ मिलियन के जो लोन को जो है आपको बताना है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए और इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में जितने करोड़ रुपए का साइन हुआ है वो है आपका 200 मिलियन डॉलर का ऑप्शन नंबर बी और आज का आपका दूसरा प्रश्न यह है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम आप सभी को कमेंट कर कर बताना है तो यह थे आपकी दो दिन के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीस और 31 जनवरी का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि दो दिन का कवर करवाना था सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों व्यक्ति का भी ख्याल रखिएगा ठीक है चलिए